निकल गया मित्रों, अगे कुड़ियां बैठी हैं, पिछे बताने वीडियो बनाई ऑल है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना हरमन भुल्लर से लैके आया थोड़े वास्ते एक नवा ब्लॉग। अज का ब्लॉग बड़ा ही स्पैशल होने वाला मित्रों, क्योंकि आप जा रहे हैं जी आनंदपुर साहब दर्शन मेले करने वास्ते। तो पहला आप जावे जी मणिकरण साहब, उस तो बाद जावे जी आनंदपुर साहब। सो जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर लो। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते तो ब्लॉग में आप शुरू करते हैं। जिमें कि मित्रों मैं काफ़ी दिनों का कहना है, मैंने थोड़ा उच्ची बोलना पैंता क्योंकि मैं मेन रोड के खड़ा वा। जिमें कि मैं काफ़ी दिनों का कहना है कि आप बड़ा वधिया टूर प्लैन करने। सो गुरु साहब की कृपा हैगी, आप भी होलिया से जा रहे हैं जी दर्शन कर महाराज के। तो गुरु साहब मेहर रखन, पहले आप मणिकरण साहब जावे, बाद जावे आनंदपुर साहब। होला महला पूरा आप वेख के आवेंगे, होले होले महल वाले दिन आप वापसी कर लेनी उदा वैसे जिन्ना केख सकेंगे। नाल तुम भी ब्लॉग दिखावे। सो डे वाइज ब्लॉग बनावे, अज अपना फस्ट डे है कह लो कि अज आप वेखते हैं। जिदा जिदा सफर रहूगा डे वाइज ब्लॉग आने। तो ब्लॉग न जुड़े रहो, शेयर भी कर दो, चैनल सबसक्राइब भी कर लो। हूँ आप इस टाइम बाईपास से खड़े हाँ, तो बस चलन वाले हैं। जिमें जिमें साड़ी यात्रा रहूगी तुम ब्लॉग दिखाई जावे। सो ब्लॉग न जुड़े रहो। सो मित्रों अपना मोटरसाइकिल रेडी हो चुका वा, आप झंडा भी ला चुके हैं। तो आप एक मोटरसाइकिल से दो जने चले हाँ, तो वेखो आप टोटल छे एक जने चले हाँ। बाकी वेखो अपनी यात्रा किमें रही है, तो कितों तक आप अज सफर करते हैं तो नाल दिखाई जावे ब्लॉग च। लाओ भी मित्रों आप झंडे का रंग करता चेंज, नीले कलर का झंडा लाता वा। तो हाईवे के उत्ते जाने आसे पासे आवाज बहुत आन डी आ, इस करके थोड़ा उच्ची बोलना पैन डा मैनू। ये जलंधर वाले हाईवे थोड़ी जा रहे मित्रों आप, तो बाकी गुरु साहब मेहर करने रस्ते जिथे जिथे भी रुके तुम दिखाई जावे। मित्रों आप जाने अगे साढ़े साथी जा रहे, तुम दिखा वा। आ दो मोटरसाइकिल अपने साथी आ, एक एक्टिवा एक मोटरसाइकिल, एक आटा मोटरसाइकिल हो गया। भट्टी साहब आए हुए ने साढ़े नाल एक्टिवा। मित्रों आज जलंधर इतों थोड़ा ही रहेगा वा, ब्यास आप पार कर रहे हैं, इतने लंगर लगा वा। हूँ आप लंगर छक लगे हाँ, तो क्योंकि सवेर का आप खा के तुरे हाँ, दोपहर का एक बज चुका वा, हम लंगर छकते हैं फिर अगे चलते हैं। मित्रों वाह अपने सिंह वीर प्यारे जे आए आ, भट्टी साहब ओ वीर साहब सिंह आ दो वीर, एक आपा होने। ऑटो चेक करो, इधर चलते माल वाली साइड से। आप गेट से खड़े हैं जी, इधरों आनंदपुर साहब में रस्ता जाता वा, आ गेट आ गढ़ शंकर आप पहुँच चुके हैं। ऑटो चेक करो घूंड वाला, इधर मालवे वाली साइड से चलते हले। आ चेक करो अगो, बहुत वधिया ऑटो यार, कैंट आ प्रॉपर पूरा वर्किंग में ऑटो है, बहुत सोहना वा। चल गया मित्रों अगे कुड़ियां बैठी हैं, पिछले बताने वीडियो बनाई आ लै कवर आ गया सामने। आ चेक करो काफ़ी चलते इदा है यार इधरले पास भून वाले ऑटो। मित्रों गढ़ शंकर थानी आप लंघ रहे हैं, तो आनंदपुर साहब में जा रहे हैं। रस्ते में हम आप ट्रैफिक मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि हम काफ़ी संगत ट्रालियाँ दिखनिया शुरू हो गई वा, साधे हो काफ़ी आप ट्रालियाँ दिखनिया शुरू हो गई। औखे सौखे होकर निकल के जा रहे हैं। हाँ जी मित्रों आप आनंदपुर साहब के बिल्कुल नेड़े पहुँच चुके हैं। आ बस आ चौंक आ गया, इतों जितों अपन आनंदपुर साहब में मुड़ना वा जी, तो इधरों मुड़ के आप फिर जाना अगे। भट्टी साहब किधर ले जाते जे गुरु हाँ को समझ नहीं आन दिया, आ कहीं नंगल वाली साइड से चल जाते, कहीं नूरपुर वाली बेदी साहब वाली साइड से चल जाने।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੰਨਾ ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਲੋ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਟੀਵਾ ਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਟੀਵਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੋਂਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਕਟੀਵਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉਨੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਾੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੋ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਟਨਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਬਣਾਤੀਆਂ ਪੰਜ ਟਨਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ ਰਵਾਲਸਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਲਸਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾੜੀ ਮਣੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਰਵਾਲਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।